गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। अपन क्लास 8 के अंदर मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में भी क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर स्टडी कर रहे हैं। और रेशनल नंबर में अभी तक अपन ने क्या पढ़ चुके, अपन इनके रेशनल नंबर होते क्या क्या अपन ये पढ़ चुके कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद अपन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट किया कि इनका एडिशन में कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दो अपन पढ़ चुके, अभी तक अपन क्या पढ़ चुके कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, अपन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके, और कल अपन ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अपन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिया, अपन ने सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर स्टडी कर ली। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपना टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अपन ने पढ़ा था ना सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो अपन ने ये पढ़ा था कि एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन नंबर्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उन नंबर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उनको जो नीचे वाले नंबर है जो उसका डिनोमिनेटर है उससे उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और लास्ट में इनको आंसर आ जाएगा। अब ऐसे अपने पास है मल्टीप्लेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर से मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता है रेशनल नंबर का मतलब वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो कोई नंबर था, अपन नॉर्मली जैसे होल नंबर है, इंटीजर नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, ये क्या था, मल्टीप्लेक्शन। 8 मल्टीप्लाई 7 56, ये मल्टीप्लाई था। तो ऐसे ही आप जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे ये हो गया 1/7, 1/2, 1/3, है ना, -2/5, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो अपन स्टडी करेंगे। चलो ठीक है, देखो कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लेक्शन। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने ले लिया कि 5/7 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सेम इंटीजर जैसे मेथड है, बस मल्टीप्लाई करना। आप ऐसे नहीं कि आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप इसके नीचे क्या पुट करोगे, 1। मतलब जो नंबर अगर जो इंटीजर नंबर टाइप से आ रहा है उसको पहले आप क्या करोगे, 1 पुट करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। तो अपने पास इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, 10/7। अब आपको पता है 10/7 आ गया, है ना। ऐसे ही देखो 5/7, अब इसको मैंने अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, नीचे वाले से करेंगे तो 14। समझ में आ रहा है, सीधा मल्टीप्लाई होंगे, सीधे ना, वैसे के वैसे से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक और देखो, 1/3 मल्टीप्लाई -2/7, -2/7 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा देखो, माइनस का साइन यहाँ, प्लस का साइन, दोनों साइन किसके हो जाएंगे, माइनस का। 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, 2। 3 को 7 से किया तो क्या आया, 21। -2/21, इस तरह से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पहले ये सबसे पहले चीज समझने वाली है। जैसे मैंने बोला अभी आपको कि 4 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को आप 2 टाइम ऐड करो तो जो आंसर आएगा वही क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का। मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई 8, इसका मतलब यह हुआ कि 7 को आप कितने टाइम लिखोगे, 8 टाइम। 7 को आप क्या करोगे, 8 टाइम ऐड करोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब क्या हुआ, इतना बड़ा मेथड था इनको ऐड करने में कि एक ही नंबर, सेम नंबर को अगर अपन बार बार अपन को ऐड करना है तो इसका इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि आप सेम नंबर को इसे मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज अपन बार बार ऐड करेंगे इससे अच्छा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या 7 मल्टीप्लाई 8 का मतलब था, ये आंसर आ रहा है, तो 7 को 8 टाइम राइट करके उनको ऐड करना, तो वही आंसर जो आता था, है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये 5/7 है उसको मल्टीप्लाई करना 2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5/7 को 2 टाइम
ऐड करो, देखो आंसर क्या है आपके पास, 10/7 आ रहा है, तो इसको मैं सिर्फ चेक करके देख सकता हूँ क्या इसका एलसीएम क्या आएगा, 7 5 + 5 = देखो 10/7, देखो रिजल्ट वही आ रहा है ना। तो अपन ने क्या किया, सीधा तरीका, अगर सेम नंबर अपने पास आ जाए, सेम नंबर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है ना, तो उनको आप दोनों क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने उनको सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर वही आएगा जो इसका आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, इसके आंसर कुछ आ रहा है समझ में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में अपन को क्या करना है, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उनको सोल्व करते हैं फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, उसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले एक तो दे रखा है मेथड, डायरेक्ट मेथड, और एक वो हो गया, आप देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देख रखा है, एग्जांपल नंबर 5-7 देखो, एग्जांपल नंबर 7 है, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, कि माइनस के 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कि माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई 7, अब आप इसको करोगे तो नीचे क्या जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कर लो, 7/3 क्या होता है माइनस के 21, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास 5। आपको एक बात बोली भी है मेरी कि अगर नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा तो इसको अपन आगे और सोल्व कर सकते हैं, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो 21 मैंने एक बार साइन छोड़ दिया है ना, यहाँ पे क्या लगा दिया, 5 से डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ, 4 टाइम, 20 रिमाइंडर 1। तो अपने पास इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कि जो अपने पास क्वेश्चन है उसको तो यहाँ लिख दो, जो रिमाइंडर उसको यहाँ लिख दो, और जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ लिख दो, और साइन किसका था इसके आगे, माइनस का, तो इसको अपन यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस के 4 × 1/5 या माइनस के 20/5, पहला सॉल्यूशन आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर दे रखा है कि 2/3 को मल्टीप्लाई करना 1/4 से, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1/4 से, ऐसा ही है। चलो अब करते हैं सॉल्व इसको, सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पढ़ा है कि 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है 2, और साइन किसका था यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12 आ गया। अब आप देखो ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं ना, तो इनको अपन काट देते हैं, कैसे कट करेंगे इनको, यहाँ से मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6, तो साइन क्या था माइनस का, 1 1/6, ये लो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/6। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर अपन ने स्टडी किए, इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि सीधे नंबर को आप ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। फिर आपने ये भी चेक किया कि अगर नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर स्मॉल है तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आगे, वो भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिविजन ऑफ रेशनल नंबर, डिविजन ऑफ रेशनल नंबर, इरेज कर रहा हूँ इनको मैं ना, डिविजन ऑफ रेशनल नंबर टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, डिविजन ऑफ रेशनल नंबर, देखो मैं आपको चीज समझाता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर और डिविजन ऑफ रेशनल नंबर सेम होते हैं, बस केवल और केवल एक स्टेप का डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल एक स्टेप का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सेम होता है। देखो ध्यान से, जैसे अपन ने पहले भी देखा था नंबर, एक नंबर था मेरे पास 2/1/2, मैं कह रहा हूँ कि 1/2 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 1/2 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ जो क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे मान लो ये कोई आपके पास क्वेश्चन है कि 1/2 को आप 2 से डिवाइड करो, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले तो सबसे पहले आप इसके नीचे क्या लगाओगे, 1 पुट करोगे, अब देखो ध्यान से इक्वल टू, तो मैंने लिखा 1/2, ये जो साइन है ना मल्टीप्ल, ये जो डिवाइड का, इसको हटाने का तरीका क्या होगा, इसको हटाने के लिए क्या होगा, ये जो आगे वाले नंबर उसको उल्टा कर दो, मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा तो इस संख्या को मैंने उल्टा कर दिया, तो ये 1 तो ऊपर चला गया, 2 क्या आ गया, नीचे आ गया, तो अपने पास अब आंसर देखो, अब आपको सोल्व करना आता ही है भाई, मल्टीप्लाई तो सोल्व करना ही आता है ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दो, तो 1/4, देखो केवल और केवल एक स्टेप का ही तो फर्क आया, कि अपन को साइन को चेंज करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते थे, कि उसको जो डिवाइड का साइन है उसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते, उसके जो नेक्स्ट नंबर उसको क्या करते थे है ना, उसको अपोजिट साइड में उल्टा करते थे, मान लो आप और एग्जाम्पल लो,
जैसे 7/2 है उसको, सॉरी 7/2 से आपको डिवाइड करना है 3/2 को, डिवाइड किससे करना है 3/2 से। अब आप क्या करोगे, ये साइन हटाना आपको, तो 7/3 ये तो ऐसे कैसे लिखोगे 7/2, इसको हटा दें, यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, अब नंबर्स अपोजिट कर दो 2/3। अब देखो एक चीज़ और होती है, अगर ऊपर वाली कोई नंबर होते हैं वो एक दूसरे से क्या, अगर ऊपर अगर सेम नंबर आते हैं ना तो वो अगर ऊपर ऊपर नीचे सेम नंबर आए तो वो एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं या कट जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन ये 2/2 कट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया 7/3, ये इसका आंसर हो गया। देखो आ रहा है सोल्व समझ में, चलो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके अंदर, है ना, आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर आपको दे रखा है एक एग्जांपल दे रखा है 5/4/5 और 4/5 को डिवाइड करना है, यानी 4/5 को डिवाइड करना है 4/5 से। चेक करते हैं, देखो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, आप एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 4/5 डिवाइड, साइन किसका लगाया मैंने, मल्टीप्लाई का, तो इस नंबर को उल्टा कर दिया मैंने 5/4, अपोजिट नंबर आपस में क्रॉस हो जाते हैं, 5 से 5 क्रॉस टू 4 से 4 क्रॉस, तो देखो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, नीचे भी क्या आया 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 1। और आपको पता भी है, अपन ने पहले भी सीखा था ये बात कि अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। कहने का मतलब अगर सेम नंबर को सेम नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, केवल और केवल ये सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन की तरह, बस केवल इतना ही डिफरेंस है कि आपको एक स्टेप आपकी और मोर देन हो गई, बस क्या करना था उस साइन को हटाना। पर देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ना मैथ्स में समझनी बहुत जरूरी है, कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर कौन से नंबर्स को अपन को ना उल्टा करना, तो इसका मतलब क्या होता है, जो जिसका साइन हटाते हैं ना उसके आगे वाले नंबर्स को, है ना, उसी को अपन हमेशा ना उल्टा करते हैं, ऐसे नहीं कि आप इसको उल्टा कर दोगे तब तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि इसके आगे वाला साइन तो यहाँ होता है, जो साइन होता है जो नंबर दिए हुए होते हैं ना उसके आगे जो साइन है वही इसका साइन मानते हैं, तो यानी इस नंबर का साइन ये है, इसको अगर आप साइन को हटा रहे हो तो इसको इसको नंबर को भी आपको उल्टा करना है, ठीक है। तो आपका डिवाइडेशन ऑफ ना रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो सोल्व कर लेते हैं अपन, फिर ये टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो जल्दी से देखो एग्जांपल नंबर क्या दे रखा है 8, एग्जांपल नंबर 8 मुझे क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है माइनस के 21/8 को डिवाइड करो 8/3 से, माइनस के 20/8 को डिवाइड करना आपको 8/3 से, यही क्या, हाँ चलो यही है। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू माइनस के 21/8, साइन किसका किया मैंने मल्टीप्लाई का, नंबर्स उल्टे हो गए तो 3/8 क्या हो गया 8 हो गया, अब इसको ऊपर वाले नंबर से इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आया मेरे पास 63, माइनस के 63/64, देखो माइनस के 63/64। अब आपको पता है नोमिनेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर बिग है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल नंबर 9, ये सारे एग्जांपल आपकी नोटबुक में चाहिए मुझे, फिर नोटबुक में होने चाहिए सारे सारे एग्जांपल, है ना। नेक्स्ट देखो इसके अंदर दे रखा है माइनस के 7/11 डिवाइड, माइनस के 7/11, माइनस के 7/11 को माइनस के 7/11 से डिवाइड करेंगे, देखो आपको ये बात तो पता ही है कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 1। अपन इसको और सॉल्व करके देखते हैं, देखो माइनस के 7/11 मल्टीप्लाई अपोजिट हो गया तो क्या हो गया 11/7, ये माइनस, देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 1। ये मैंने आपको बोल ही दिया कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से अपन डिवाइड करेंगे ना तो ना आंसर क्या आएगा अपने पास 1, ठीक है। देखो तो अभी अपन ने इसके चारों फंक्शन है ना इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ ली है, सबसे पहले अपने एडिशन पढ़ा, फिर अपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आज अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कैसे इसको सोल्व करना है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर में अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में इससे अपन आगे डिस्कस करते हैं।